वेलकम टू द आवर चैनल दीपक मेडी फार्मेसी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को मेडिसिन केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूनिट वन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आज मैं बताऊंगा यूनिट टू का। तो आप लोग जरूर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यूनिट टू का आप लोग जरूर जाके देखिएगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये मेडिसिन केमिस्ट्री जो फोर्थ सेमेस्टर का है, बीपी 402T, ये बहुत ही वास्ट, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आपको सिलेबस एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यूनिट वन का थोड़ा कम है, यूनिट वन का, और यूनिट टू का देखिए यहाँ से स्टार्ट है और फिर ये आपका ये देखिए यहाँ तक गया है, और यूनिट थ्री ये देखिए यहाँ तक ये गया है। यूनिट फोर बहुत बड़ा है, लगी इसीलिए मैं इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ, जो 99% आएगा ही आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा लास्ट तक, तो आपको बहुत ही अच्छा कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगा, और आपको ये बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं। और ये मैं अब लिख के दे देता हूँ, 99% दे देता हूँ कि ये आएगा ही आएगा। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे, और चैनल को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा दीपक मेड फार्मेसी को। और अभी तो मैं यूनिट टू का बता रहा हूँ, अब इसके बाद जो आएगा लेक्चर यूनिट थ्री का आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखेगा। तो पहले मैं यूनिट टू का निकाल देता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा। तो अकॉर्डिंग टू पूरा मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू के मार्क्स कि कितने कितने नंबर का आता है, तो कौन कितने नंबर का आता है। बहुत यूनिवर्सिटी में 7 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है, तो वो जिस जहाँ मैं 7 लिखा हूँ वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का आता है तो वो जगह आप समझ जाइएगा कि 5 नंबर में आता है वो। तो 10 नंबर में आता है और 7 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो आप लोगों को ये आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसे आप पढ़ के गए हैं दो नंबर, ये आप पढ़ के गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेलकोलिन, और ये आ गया आपका 10 नंबर में, तो ये दिक्कत हो जाएगा इस तरह। तो मैं वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको 10 नंबर में आने वाला है। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान देखिए और लास्ट तक देखिएगा। तो पहले देखिए यूनिट टू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैथाकोलिलामाइन। ठीक है, तो ये आपको ये पहला आपको ये पूरा बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म में कैसे ये टूटता है इस केमिकल के बारे में आपको पूरा चीज पढ़ना है, कैसे बनता है कैसे टूटता है इसके बारे में जानना है। और फिर अब आइए क्वेश्चन टू में। तो क्वेश्चन टू में क्या है, एक्सप्लेन द SAR ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो SAR बताना है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का। और क्वेश्चन थ्री आप देखिए, ये जो मैं स्टार मांगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब इम्पॉर्टेंट है, आपको सब देख के जाना है, मगर जो स्टार मांगे ये दोनों तो अल्टरनेटिव में आता ही आता है। तो आप लोग ये देखिए, अब ये क्वेश्चन थ्री देखिए क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द SAR ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट बताना है। और क्वेश्चन फोर अब देखिए क्या बताना है, एक्सप्लेन द एड्रेजेनिक न्यूरो ट्रांसमीटर विद द एड्रेजेनिक रिसेप्टर अल्फा बीटा। तो ये देखिए कितना बड़ा है, ये आपको ये ज़्यादा 10 नंबर में नहीं आता है, हर अल्टरनेटिव में 7 नंबर और बहुत जगह 5 नंबर का चलता होगा तो 5 नंबर में आता होगा। अब क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन 5 क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमेटिक एजेंट क्लासिफाई करना है इसमें। और क्वेश्चन 6 में चलिए, इसमें देखिए फेनिथिलीन प्रिन का सिंथेसिस करना है इसमें। और क्वेश्चन 7 में क्या है, और इसका यूज भी लिखना है क्वेश्चन 6 में, इसका यूज और सिंथेसिस दोनों। और क्वेश्चन 7 में क्या लिखना है, ये देखिए सिर्फ इसका स्ट्रक्चर टेलाजोलिन का बना के जाना है। तो ये गाइस आपको ये मैंने पूरा बता दिया यूनिट 2 में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका जो बाद में जो वीडियो आएगी ये यूनिट 3 का आएगा। तो आप लोग चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इस तरह का मैं वीडियो और आपके लिए लाता रहूँगा और सबसे पहले आपको मिलेगा। तो लाइक करिएगा और बेल आइकन दबा के और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा बी फार्मा को। टेक केयर, बाय बाय।